गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर एक ख़त्म किया था, समाप्त किया था। उसका होमवर्क आपको पीडीएफ पे भेज ही दिया था। आशा करता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो, वैसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो वीडियोज यहाँ से रिलीज किए गए हैं उन वीडियोज में है। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत हो करने में, तो आप मुझसे ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, आज जो अपना नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चैप्टर 2 का नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? यह है चैप्टर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो आपका एक ही शब्द में आंसर होगा कि नहीं। यही होगा ना? क्यों? क्योंकि आज हम देखते भी हैं, आज हम इन चीजों को फेस भी कर रहे हैं, सुनते भी हैं, किताबों में पत्र पत्रिकाओं में आए दिन पढ़ते भी हैं कि हर चीज में मिलावट हो गई है। दूध में पानी मिला दिया जाता है, घी में वनस्पति घी मिला दिया जाता है, सरसों के तेल में पाम ऑयल मिला दिया जाता है, लाल मिर्च में ईंट का पाउडर मिला दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हर पदार्थ में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की मिलावट अवश्य आज देखी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये थोड़ा उस मिलावट से संबंधित नहीं है, ये अलग है। विज्ञान में मिलावट किसे, विज्ञान में मतलब जो शुद्ध पदार्थ कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, उनकी परिभाषाएं अलग है। विज्ञान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो शुद्ध पदार्थ वो है जिसके सभी कण या सभी अवयव एक जैसे रासायनिक प्रकृति के हैं, एक जैसे रासायनिक गुण हैं, उनको तो कहा जाता है शुद्ध। और जिसके अवयव अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हैं, अलग अलग रासायनिक गुणों के हैं, उनको कहा जाता है अशुद्ध। तो यहां पर इसी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पदार्थ जो है, साइंस की दृष्टि से पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है, ध्यान दें, वे पदार्थ जिसके सभी अवयव, या आप कह सकते हैं कण कह सकते हैं, वे पदार्थ जिसके सभी कण समान रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ जिसके सभी कण, यानी कि आप कोई भी उसका कण लेकर देखोगे तो वो दूसरे कण से हर प्रकार से समान होगा, आकार में, रंग में, रूप में, रासायनिक गुणधर्मों में हर प्रकार से समान होगा, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। इसके अंदर आते हैं तत्व व यौगिक। क्या आते हैं? तत्व व यौगिक। तत्व कौन कौन से हैं? जैसे O2, H2, N2, O3,
जिसमें एक ही तरह के परमाणु होते हैं उनको तत्व कहते हैं। ये अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल आपको ये ध्यान देना है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 यानी कि दोनों परमाणु ऑक्सीजन के हैं, इसमें H2 इसमें दोनों परमाणु हाइड्रोजन के हैं, तो इनको तो कहा जाता है तत्व। यौगिक एक से ज्यादा तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तो यौगिक में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जल, नमक NaCl, कोई भी दे सकते हैं, CO2, CO, ये सब यौगिक कहलाते हैं। तो तत्व और यौगिक हमेशा कौन से पदार्थ कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ, राइट। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसके सभी कण भिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहलाते, अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसमें आता है कौन, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में कौन आता है, मिश्रण। मिश्रण जो है उसमें कई पदार्थ आपस में मिले हो सकते हैं, कई तत्व आपस में मिले हो सकते हैं, और उन तत्व और उन पदार्थों का लेकिन कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। कोई चीज कम कोई चीज ज्यादा डाल दे तो मिश्रण ही कहलाएगा। जैसे शरबत, चाय, कॉफी, मिट्टी, वायु, ये सब क्या है, मिश्रण है। तो इसके अंदर आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे वायु एक मिश्रण है, चाय एक मिश्रण है, शरबत एक मिश्रण है, शिकंजी एक मिश्रण है, ठीक है, ये सब आते हैं मिश्रण के अंदर। तो यहां से ये चैप्टर अपना स्टार्ट करा हमने। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ओके, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनके सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, उनको कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। इसमें दो चीजें आती हैं, तत्व, यौगिक। संसार की समस्त चीजों को तीन भागों में बांटा गया है, पदार्थों को, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व और यौगिक इसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंदर, शुद्ध पदार्थ के अंदर। तत्व में कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, वैसे आगे अपन इसको पढ़ेंगे तब और डिटेल से इसको देखेंगे। यौगिक में आप एक दो एग्जाम्पल याद कर सकते हो, जैसे जल, सभी जानते हो जल का फॉर्मूला होता है H2O। नमक जो अपने रसोई घर में काम में आता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो ये सब जनरल फॉर्मूले हैं जो पिछली क्लासेज में आपको बताई दिए गए हैं। अशुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिसके सभी कण भिन्न भिन्न रासायनिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि समान नहीं होते। इसके अंदर आता है मिश्रण। मिश्रण में आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें कोई भी चीज कम ज्यादा हो सकती है, जैसे चाय, चाय में चीनी ज्यादा डल गई तो भी रहेगी तो चाय, दूध कम रह गया तो भी रहेगी तो चाय। वायु है, वायु में अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन हम कहते तो यही है कि भाई वायु है। तो ये सब मिश्रण के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मिश्रण कितने प्रकार का होता है ये सभी ध्यान से देखेंगे वीडियो के अंदर और इनको याद करेंगे, ठीक। अब आता है मिश्रण। मिश्रण, मिक्सचर। मिश्रण जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया प्रकृति की दृष्टि से, समांगी और विषमांगी। पहला समांगी होमोजीनियस जिसको कहते हैं, और दूसरा विषमांगी जिसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। समांगी
दूसरा होता है विष्मा, इनमें क्या अंतर है इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे पहले पानी लिया हमने और पानी में घोल दिया क्या नमक, क्या घोल दिया नमक, एक पात्र ही बीकर हो गया, इसमें हमने जल ले लिया, क्या लिया जल, और जल में क्या घोल दिया नमक, अच्छी तरह से उसको घोल दिया। दूसरी तरफ पानी है और पानी में घोल दिया तेल, क्या घोल दिया तेल, अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये पानी और इसमें तेल घोल दिया, सरसों का तेल कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑयल, आप जरा ध्यान दो, यह है स्थिति ए और यह है स्थिति बी, ठीक है। एक बीकर में हमने जल लिया, जल में नमक घोल दिया, चम्मच से अच्छी तरह से उसको घोल लिया। अब हम उस मिश्रण को जब यदि देखते हैं तो वो पूरा के पूरा एक रूप दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है एक रूप, यानी कि पानी और नमक एक दूसरे में मिलकर के एक जीव हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तो देखने पर हमें एक जैसा विलयन दिखाई देगा ऊपर से नीचे तक, ऐसे विलयन या ऐसे मिश्रण को कहा जाता है कौन सा समांगी, कौन सा कहलाएगा ये समांगी, यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके सभी अवयव एक रूप दिखाई दे ऐसे मिश्रण को कहा जाता है समांगी, ठीक। दूसरा होता है विषमांगी, कौन सा विषमांगी, अब देखते हैं इसमें पानी में हमने क्या मिलाया तेल, खूब घोल लो उसको अच्छे तरीके से चम्मच से, लेकिन जब आपको थोड़ी देर बाद उसको स्थिर रख के आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा नीचे तो पानी दिखाई देगा और ऊपर उसमें क्या दिखाई देगी तेल की बूंद, यानी कि पानी अलग नजर आ रहा है और पानी की सतह पर तेल की बूंदें अलग नजर आ रही है, यानी कि दो अवयव थे पानी और तेल और दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, ऐसे मिश्रण को कहा जाता है कौन सा विषमांगी मिश्रण, यानी कि जिसमें अवयव एक रूप ना होकर के पृथक पृथक दिखाई दे अलग अलग दिखाई दे ऐसे मिश्रण को कहा जाता है कौन सा विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। तो इन उदाहरणों के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिश्रण कितने प्रकार का हुआ, दो, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण जैसे पानी और नमक, पानी और चीनी, विषमांगी मिश्रण पानी और तेल का मिश्रण, पानी और बुरादे का मिश्रण, इनको कहा जाता है विषमांगी, जिसमें सभी अवयव एक जैसी प्रकृति के दिखाई दे एक रूप दिखाई दे ऐसे मिश्रण को कहा जाता है समांगी, और जिसमें अवयव अलग अलग नजर आते हैं ऐसे मिश्रण को कहा जाता है विषमांगी, ओके। तो ये सब आपको ध्यान से समझना है, लर्न करना है। नेक्स्ट विलयन क्या है, विलयन अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण से पिछला जो टॉपिक था मिश्रण वाला उसमें देखा पानी में क्या मिलाया हमने नमक, क्या मिलाया नमक, यहां पर पानी ज्यादा मात्रा में है और घोलने का काम कर रहा है तो पानी को तो कहेंगे क्या विलायक, क्या कहेंगे विलायक, और नमक को कहेंगे विलेय,
जो चीज घुलती है या कम मात्रा में होती है उसको कहते हैं भिड़े। और दोनों को जब मिला दिया जाता है, विलेय प्लस विलायक, विलेय को विलायक में घोल दिया जाता है तो प्राप्त हो जाता है क्या? विलयक। क्या प्राप्त हो जाता है? विलयक। तो ये विलयक का एक तरह से सूत्र कि विलेय और विलायक दोनों को मिलाने पर जो बनता है उसको विलयक कहते हैं। साइंस की भाषा में इसको किस तरह से परिभाषित करते हैं? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कम मात्रा में होता है विलेय, हमेशा क्या होता है? कम मात्रा में। विलायक होता है अधिक मात्रा में। तो विलेय तो क्या है? हमेशा कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा। और विलायक जो होता है उसकी अधिक मात्रा होती है। विलेय की तो कम मात्रा होती है और विलायक की अधिक मात्रा होती है। विलेय को विलायक में मिलाने से प्राप्त हो जाता है क्या? विलेय। ठीक। तो विलयन की परिभाषा क्या हुई? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ओके ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। यहां तक आपको समझना है आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो हमने देखा कि साइंस की भाषा में या विज्ञान की भाषा में हम ये कहते हैं कि अगर किसी पदार्थ के सभी अवयव समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं तो उनको कहते हैं हम शुद्ध पदार्थ, और समान रासायनिक प्रकृति नहीं दर्शाते तो उनको कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। फिर हमने देखा कि शुद्ध पदार्थ में तो तत्व और यौगिक आते हैं और अशुद्ध पदार्थ में आते हैं मिश्रण। ठीक है। फिर हमने देखा कि मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। जैसे पानी में नमक घोलेंगे समांगी मिश्रण, पानी में तेल घोलेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? विलयन के बारे में। जो चीज कम मात्रा में होती है जो घुलती है उसको तो कहा जाता है विलेय, और जो चीज अधिक मात्रा में होती है जो घोलने का काम करती है उसको कहा जाता है विलायक। विलेय और विलायक को मिलाने से बन जाता है विलयन। तो विलयन की परिभाषा ये होती है दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन। ओके। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे।